जो आजाद परिंदे ने ओ रूहां किथे लब दिया ब्यानो पारवरी राय ओ सिफता सच्चे रब दिया जो आजाद परिंदे ने ओ रूहां किथे लब दिया ब्यानो पारवरी राय ओ सिफता सच्चे रब दिया उजले पर शकिए तन तन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी खेमकरण तो चल के पिंड चोले पहुँच देने ते पिंड चोले तो होके इस धरती ते आंदे ने जिथे असी हुण आ पुजे हैगे आ यानी कि पिंड हजारा गुरु तेग बहादुर साहब जी चरण छो प्राप्त इस स्थान जलंधर शहर तो तकरीबन 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है तो दिल्ली तो पुजन वास्ते इतने 450 किलोमीटर का सफर तय करना पैंदा है तो जे तुसीं हवाई जहाज से आना चाहो तो अमृतसर का एयरपोर्ट इतों सब तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है आओ तुहानूं दिखाने आ उस स्थान भी जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी बैठे सी ते जिथे वो थाड़ा साहब मौजूद है इस स्थान के इतिहास के बारे दसण तो पहले आप जी सब तो पहले अंदर लैके चलने हैं दर्शन कराने हैं गुरुद्वारा साहब के तो उस बाद आप इतिहास दसेंगे तो ज्ञानी जी तो भी आपको इतिहास पता करके दसने आओ सब तो पहले दर्शन करिए गुरुद्वारा साहब के दरबार हाल च अंदर वढ़ते ही राइट साइड में तुम दर्शन कर रहे हो जिस स्थान पर है वो थड़ा साहब हैगा जिथे तन तन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी आके विराजे सी आओ आप ही दर्शन करो जो मजलू माली हर एक धर्म दया दर है जिस दी सिफत इलाही है नवी पातशाही है जेड़ा हिंद दी चादर है वो मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस अस्थान ते धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी कुछ सिखां समेत 20 फरवरी 1665 ईस्वी नू बाबे बकाले तो श्री आनंदपुर साहिब जाते हुए चरण पाए सन। उस समय यह इलाका वीरान अते बेआबाद सी। गुरु जी ने एक इट्टां दे बने हुए थड़े ते आसन लाया अते इत्थे ही एक पशु चार रहे बजुर्ग रण सिंह जी जो बाद विच बाबा रण सिंह जी अखवाए तिन्हां ने गुरु साहिब जी की सेवा की। गुरु साहिब जी ने बाबा रण सिंह जी ने पुछया कि यह इलाका वीरान क्यों है तो बाबा रण सिंह जी ने बेनती की गुरु जी जो भी इस इलाके आता है तो कुछ समा रह के इतों चला जाता है सो आप ही इस नगर पर कृपा करो। तो गुरु साहिब जी ने इस नगर को हजारों का वर दिता। हौली हौली इस नगर की वसों हजारों में हो गई तो इस नगर का नाम हजारा पै गया। इस गुरद्वारा साहब जी का नाम श्री थड़ा साहब के नाम नाल जानिया जान लगा। सो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरद्वारा साहब की बिल्डिंग के ठीक पिछले पासे एक नवी इमारत के विच शीशे की खिड़की के अंदर पुरानी इमारत के कुछ अवशेष पुरानी इट्टां के रूप में
आप जी दर्शन कर रहे हैगे हो। यह वो स्थान है जिन्हों भाई रणजी का तप स्थान आखा जाता है। इस छोटे जहे कमरे के अंदर महाराज का स्वरूप विराजमान है जिथे कि प्रकाश होया हुआ है जिसे आप जी दर्शन कर रहे हो। जन्म अकारथ कीन कहो नानक हर पज मना जिह बिद जल को मीन जिह बिद जल को मीन। नगरी वसाण वास्ते थां थां ते स्थान वेख रहे सी। जिस वक्त वो इस स्थान ते पहुंचदे ने ते इस स्थान बहुत ही सोहना बहुत ही मनोरम सी। इत्थे उन्हां दी मुलाकात हुंदी है भाई रणजी नाल। भाई रणजी सिख संगतां नाल मिलके उन्हां दी सेवा कर रहे सन। वो भाई रणजी नूं बुलांदे ने ते पुछदे ने कि आप जी का स्थान तो बहुत सोहना है पर इतने वसो क्यों नहीं। तो भाई रणजी बेनती करते हैं कि पातशाह जी इस स्थान बेशक बहुत सोहना है इतने लोग भी आते हैं पर इतने कोई टिकता नहीं इतने जिहड़ा भी आया है वह उजड़ जाता है पता नहीं क्यों। गुरु साहब भाई रणजी को कहते हैं कि आप जी फिक्र ना करो आप किरत करते हो आप बाणी जपया करो आप बन के छकिया करो जिहड़े कि गुरु नानक दे घर दे असूल ने ते जिहड़ा भी इत्थे आए वसण वास्ते उहदी सेवा कीता करो नाल अपना दसवंध कढ़िया करो। एक समय आएगा कि इह स्थान जिहदे विच अज लोग उजड़ जांदे ने इत्थे हज़ारां दी गिनती विच लोग रहणगे ते इस तरह ही होया। समय बीतण दे बाद इस स्थान दे उत्ते हज़ारां दी गिनती दे विच लोगां ने रहना शुरू कीता। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी यह बच्चन उचार अगे चले जाते हैं। उस तो बाद भाई रणजी ने आप जी के दसे हुए बचना का पालन किया दसवन कढ़िया लोगों की सेवा की बाणी का जाप किया। 1699 की विसाखी वाले दिहाड़े खंडे बाटे का अमृत चक रणजी तो भाई रण सिंह सजे। धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी हज़ारे तो अगे जिस स्थान पर चाले पाते हैं उस स्थान का नाँ हैगा हकीमपुरा जिहड़ा कि बंगा विच आंदा हैगा। उत्थे भी गुरु तेग बहादुर साहब जी की चरण छोह प्राप्त स्थान है। आओ तुहानू हुण असीं बंगा लैके चलने आ ते उस गुरुद्वारा साहब के भी दर्शन कराने। करदे जो मजलूमा लई हर एक धर्म दया दर है सिफत इलाही है ओ नौवी पातशाही है जेड़ा हिंद दी चादर है ओ मेरा तेरा।